पहली बार देखा था जन्म में, तो भाई बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे। कौन से देखते हो ब्लॉग सारे बताओ? सारे देखते हो ब्लॉग? हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ राकेश के घर पर, उसने मुझे बुलाया है। मतलब उसके वहाँ पे ना कुछ प्रोग्राम है आज, हमारे गांव की ना हरियाली तीज है ना, तो भाई आज के दिन ना थोड़ा बहुत प्रोग्राम सा होता है, मतलब दंगल टाइप का कुछ होता है हमारे गांव में भी और राकेश के गांव में भी। तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ राकेश के घर पर, उसके बाद अपने गाँव का देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे दंगल। तो फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं राकेश के घर, बट यहाँ पे राकेश है ही नहीं, उसे कॉल करनी पड़ेगी। उसकी मम्मी बोल रही हैं अभी इधर ही गया है, वो पता नहीं कहाँ पर है, तो मैं अभी उसे कॉल करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है वो, कहाँ पर है। ओए राकेश कहाँ है? एक मिनट रुको, मैं कॉल कर रहा हूँ उसको। खाना वाना तो खा के आए, कॉल लगी नहीं रही उसे। कहाँ पर है, कहाँ पर? पीछे इधर का रास्ता है भाई, मैंने उसे कॉल की थी अभी लेकिन कॉल नहीं लग रही है, तो पैदल जाना पड़ रहा है। मतलब घर के पीछे ही है वो, मतलब मैंने बताया था ना दंगल हो रहा है उसके घर पे, मतलब उसके घर पे नहीं उसके गांव में हो रहे हैं। तो फाइनली मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, अभी उसे बुला के लाता हूँ। देखो वो आ रहा है उधर से, वो रहा के सारा सामने से, और उधर हो रखा है जंगल। हाय भाई हाय, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ भाई, उधर लड़के बुला रहे हैं मुझे। राकेश ये आ चुका है, ये रहा। अबे तेरी कॉल क्यों नहीं लग रही थी तेरी? गाइस हमें ना राकेश की मम्मी ने कचौड़ी दे दी है ये, तो भाई इतनी सारी तो मेरे पे खाई भी नहीं जाएंगी। मैं अभी खा के आया था लेकिन मुझे खानी है, बट थोड़ी बहुत ही खाऊंगा, तो अभी ये खाते हैं। तो भाई अभी खाते हैं खाना, मतलब राकेश की मम्मी ने ये कचौड़ी दे दी है, तो भाई खानी पड़ेंगी, इतनी सारी नहीं खाई जाएंगी, बस एक ही खाऊंगा मैं, तो बस इनकी बात रखने के लिए। तो राकेश अभी अंदर गया हुआ है, तो अभी खाते हैं कचौड़ी। गाइस देख रहे हो, पता नहीं हलवा भी आ गया कचौड़ी भी आ गई, मेरे पे कुछ भी नहीं खाया जाएगा, मतलब भूख लग रही है, लेकिन इसकी मम्मी मान ही नहीं रही है। तो भाई यार मैं ना हलवा खा लूंगा थोड़ा सा बस, बस एक बर्तन लिया ना अलग से, उसमें चम्मच। अरे नहीं खाया जाएगा भाई, बहुत है यार। गाइस मैं राकेश के घर पे आया, तो भाई यहाँ पे बच्चे आ गए सारे मुझे देखने के लिए। कौन कौन से देखते हो ब्लॉग सारे बताओ? सारे देखते हो ब्लॉग? कौन कौन से ब्लॉग देखे? सारे देखे, सारे ब्लॉग देख रखे हैं। तो भाई ये अभी आए थे ना, पता चला कि रोशन भाई यहाँ पे आए हुए हैं, तो सारे आ गए। अभी एक दो और आ रहे हैं, देखो उधर से हाई कर रहा है। सारे ब्लॉग देखते हो ना, तो ये वाला भी देख लेना, अब आ जाओगे आप भी ब्लॉग में, ठीक है? आ जाएगा कल परसों, ठीक है? तो भाई मैंने तो इतना सा लिया है, ये बाकी उधर रख दिया है, और ये भी खा रहा है मेरे साथ वाला। बस मैं तो ये खा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पे खाया नहीं जाएगा वो। तो गाइस मैंने हलवा तो खा लिया, ये री प्लेट खा ली, और इधर अभी भी राकेश खा रहा है ये देखो। तो हम यहाँ से जाएंगे अभी दंगल में, इसके यहाँ पे जो दंगल हो रखा है वहाँ पे जाएंगे अभी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं दंगल देखने के लिए, जो राकेश के घर के बिल्कुल बराबर में ही हो रहा है, पीछे हो रहा है, और आगे आगे चल रहा है राकेश भाई, तो अभी चलते हैं दंगल में, पहुँचने वाले हैं, बस पीछे ही है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं अखाड़े में, भाई यहाँ पे ना इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, चारों तरफ भागे जा रहे हैं, देख रहे हो चारों तरफ लड़के भाग रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी छत पर, क्योंकि नीचे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है। गाइस इधर देखो भाई, सारे लड़के निकल के आ गए, मैं इधर आ गया हूँ तो देख रहे हो, मतलब जगह भी नहीं मिलती, सारे भाग रहे हैं इधर को। ओए भाई मैं तो अपने ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, तो बड़ा मजा भाई, देख रहे हो चारों तरफ इतनी भीड़ लग गई है, ये देख रहे हो। गाइस पता है अभी नीचे ना भाई साहब इतनी भीड़ हो गई थी मेरे चारों तरफ में, बहुत लोग चिल्ला रहे थे, मतलब बोले जा रहे थे, और अभी भी लोग हैं ना, मतलब जो बच्चे हैं यहाँ के सारे चढ़े जा रहे हैं छत पे, अभी मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ, पीछे हो रहा दंगल, इधर देख रहे हो आप, सारे बच्चे इधर उधर भागे फिर रहे हैं पता नहीं क्यों, नीचे चारों तरफ मेरे भीड़ हो गई थी अभी, इतना चिल्ला रहे थे। सो गाइस मैं तो वहाँ से आ गया हूँ भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतना चिल्ला रहे थे लड़के, बहुत ज़्यादा है, पता नहीं पहली बार देखा था जन्म में, तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे। तो मैं राकेश तो आ गए वहाँ से, तो अभी हम जा रहे हैं अपने गांव में, क्योंकि हमारे गांव में भी दंगल हो रहा है ना, तो यहाँ से तो हम निकल रहे हैं भाई। सो फाइनली गए जब भी हम आ चुके हैं राकेश के घर पे, तो भाई वहाँ का सीन आपने देखा ही था, कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब सारे लड़के भाग रहे थे पीछे पीछे पता नहीं क्यों। तो फाइनली हम तो वहाँ से आ गए, अभी जा रहे हैं अपने घर पे, हमारे गांव में दंगल हो रखा है, तो मेरे साथ चल रहा है राकेश भी। अंकल जी नमस्ते। तो गए अभी चलते हैं अपने घर पे, चल भाई पीछे हो, चाबी कहाँ है बाइक के? मैं बाइक ला दूँ फिर अपनी। अरे मैं छोड़ना आ जाऊँगा चल, पर आएंगे रात को, टाइम लग सकता है, तो अभी चलते हैं गाइस अपने गांव में, हम देखते हैं वहां पे क्या सीन है। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के अखाड़े में, जहाँ हमारे गांव में अखाड़ा हो रखा है, इधर हो रहा है देखो। तो भाई अभी हमारे दादाजी कुछ बोल रहे थे, अब बोलो क्या बोल रहे थे। अरे भैया हमारे गांव गंगा चोरी में अखाड़ा हो रहा है, और अगले साल को बहुत नंबर एक होगा, आना जरूर देखने। तो भाई हमारे दादाजी कुरकुरे, हमारे दादाजी लगे हैं ये, तो ये कह रहे हैं कुरकुरे खिला रहे गाइस। तो गाइस ये आया अपना टाइगर, बाहर तो आजा भाई, अब बाहर आजा, बाहर आजा,
अंदर कहाँ हूँ मैं? आ जा चल आ जा बेहतर को हो भाई, बस यहीं पे। तो गाइस ये अपना भाई सतीश टाइगर और एक और टाइगर, क्या हाल है? बढ़िया भाई, हो गई एक बात कुश्ती है ना अभी? अभी बढ़िया भाई। तो भाई अपने फ्रेंड भी आ रखे हैं यहाँ पे लड़ने के लिए ये सारे, तो अभी देखते हैं क्या सीन है इनका यहाँ पे जो भी है। क्या हाल है भाई? ना भाई लड़ते बढ़ते ना, हम तो बस ऐसे ही है, भाई को बता के सारे बारे में। इधर खड़े हमारे गुरु जी पूरन राणा ये रहे। तो भाई ये कह रहे हम भी आने चाहिए ब्लॉग में, और साथ में दो फ्रेंड खड़े हुए हमारे। तो भाई हम तो चल रहे हैं, अभी जा रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ हाँ कुश्ती देख रहे हैं, दिख रहा है सबको। सो फाइनली गाइज अभी हम अकाले में आए थे अपने गांव वाले में, तो भाई यहाँ पे मेरे फ्रेंड आ रखे थे दो तीन, मतलब सारे फ्रेंड थे ऑलमोस्ट जो मैंने आपको पीछे ब्लॉग में दिखाए थे, सतीश टाइगर और एक बादल टाइगर थे मेरे भाई थे, मतलब साथ पढ़ते मेरे, तो वो भी यहाँ पे दंगल में कुश्ती लड़ रहे हैं। तो भाई फाइनली हमने दंगल तो देख लिया, तो अभी चल रहे हैं हम यहाँ से नेक्स्ट जगह। सो गाइज अभी हम आ रखे हैं अपने खेत की साइड आए थे घूमने के लिए, क्योंकि भाई जो दंगल हो रहे हैं ना हमारे गाँव में, तो वहाँ पे हम भीड़ में ठीक तरीके से शूट नहीं कर पा रहे हैं, सारे लोग भागने लगते हैं यार कैमरे के पीछे, तो अच्छी तरह से शूट नहीं हो पा रहा। तो फाइनली हम बंदे पे घूम रहे हैं, तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हरियाली चीज़ है ना, तो बाकी चीज़ तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि गर्ल्स वगैरह कुछ ऐसी होता है तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि ठीक नहीं है वो चीज़ यार। तो फाइनली अभी हम घूमने आए थे बस खेत पे ऐसे बैठे बाइक से, तो अभी घर पे जाएंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, तो अभी तो ब्लॉग एंड नहीं हो रहा वैसे। सो गाइस अभी हम तो आ गए भाई वहाँ से बंदे पे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मतलब वहाँ पर हम शूट ही नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। तो अभी हम आए मतलब अपने फ्रेंड की दुकान पे, माय बेस्ट फ्रेंड संजय राणा, इधर देखिए भाई, हाय करिए, हाय हाय, लाइक कर रहा है, हाय कर रहा है, हाय। तो भाई इसी की दुकान पे बैठना है थोड़ी देर, फिर यहाँ से घर जाऊँगा मैं कैमरा रखने के लिए, क्योंकि भाई वहाँ पे हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, लेकिन घूमने भी जाएंगे अभी हम वहाँ पे। तो भाई वहाँ पे मतलब बहुत भीड़ हो रही है, तो शूट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी शूट नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, आपने पीछे ब्लॉग में देखा सारे भाग जाते हैं कैमरे के पीछे। तो फाइनली अभी हम संजय की दुकान पे, यहाँ से मैं घर जाऊँगा, अभी कैमरा रख के फिर भी घूमने जाएंगे हम, फिर बाद में मिलेंगे आपको। तो गाइस रात का एक बज चुका है और मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, देखो मतलब पता है मैंने जब से नाइट हुई है ना, जब से दो ब्लॉग एडिट कर दिया, मतलब मैं ना पूरे डाल के रखता हूँ ब्लॉग, मतलब डेली शूट कर लेता हूँ, एक दिन में दो दो ब्लॉग भी शूट कर लेता हूँ, तो मैं ना डाल के रखता हूँ, क्या पता किसी दिन शूट नहीं कर पाए, तो मैं वो डेली ब्लॉग अपलोड करता हूँ तो कर दूंगा। तो गाइस पता है क्या हुआ था, फाइनली जैसे ही शाम को मतलब आज हरियाली तीज देखने गए थे हम, उसके बाद मैं कैमरा घर पे रखने आया था, आपने पीछे ब्लॉग में देखा होगा, तो फाइनली उसके बाद मैं और राकेश चले गए थे फिर घूमने के लिए। तो भाई इतने ज़्यादा मजे लिए थे हमने, बहुत ज़्यादा मजे लिए थे, मतलब बांध पे घूम रहे थे बाइक से, इधर उधर जा रहे थे कभी कभी, सारे लड़के थे साथ के जितने भी रहने वाले, तो बहुत ज़्यादा मजा आया था। तो उसके बाद नाइट हो, हमें वहीं पर नाइट हो गई थी बांध पर ही, तो फिर वहाँ से आने के बाद मैं राकेश को छोड़ कर आया था उसके घर पे, तो वहाँ पे फिर काफ़ी टाइम रुका था उसके घर पे, तो समथिंग 8-9 का टाइम हो गया था नाइट को, फिर उसके बाद मैं घर पे आया था। घर पे आने के बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर मैं सोच रहा था ब्लॉग भी एंड नहीं किया, ब्लॉग एंड करता हूँ, तो मैंने देखा कैमरे की बैटरी डाउन थी, तो फिर मैंने कैमरे की बैटरी चार्जिंग पे लगा दी, तब से मैं सोच रहा कोई ना कुछ काम करते हैं, तो जब से मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था लगातार, तो फाइनली मैंने दो ब्लॉग एडिट कर दिए हैं। तो अब मैंने कैमरे की बैटरी चार्ज हो चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी फुल नहीं हुई है, लेकिन ब्लॉग एंड करना था बहुत ज़रूरी, तो फाइनली बस हो गया, जैसे भी ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया, वैसे एडिटिंग ये वाली ब्लॉग की रह चुकी है अभी थोड़ी सी, तो ये वाला ब्लॉग भी हो जाएगा, तो ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना, गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप देख पाए हमारे ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अरे आ जाना यार, मैं भाई शर्मा की रिया, आ जा।